आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं योगेश शर्मा, फाउंडर एंड सीएमई ऑफ माइटेक फाउंडेशन ऑफ रेवोल्यूशन। आज का जो टॉपिक है वो है अपने ब्यूटी पार्लर को ट्रेनिंग एकेडमी कैसे बनाएं। भारत में ब्यूटी एंड वेलनेस उद्योग काफ़ी फलफूल रहा है। ब्यूटी इंडस्ट्री के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए युवाओं का इसके प्रति रुझान काफ़ी बड़ा है। ब्यूटी के क्षेत्र में जॉब ऑफर्स की भी कमी नहीं है। इसी तरह अगर आप भी सालों से अपना ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं और आपको कुछ खास इनकम नहीं हो पा रही है, तो आप अपने पार्लर को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ट्रेनिंग एकेडमी बनाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं और सैकड़ों युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार के योग्य बना सकते हैं। अगर आप खुद की ब्यूटी ट्रेनिंग एकेडमी स्टार्ट करना चाहते हैं तो एकेडमी स्टार्ट करने के बाद आप स्टूडेंट को जो कोर्सेज करवा सकते हैं वो हैं हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटीशियन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, वेडिंग स्टाइलिस्ट, सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट आदि। उसके बाद आपको उन्हें एक वैलिड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट देना होगा जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के लिए वैलिड हो और जो देश विदेश में भी जॉब करने के लिए वैलिड हो। अगर आप खुद की ब्यूटी ट्रेनिंग एकेडमी खोल के उसी के नाम से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट देने की सोच रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्यूटी ट्रेनिंग एकेडमी को गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड करवाना होगा। गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपको अपनी एक कंपनी बनानी पड़ेगी, फिर ट्रेडमार्क, ISO और पता नहीं क्या क्या रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। फिर आपको एक वेबसाइट बनवानी पड़ेगी जिसमें आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख सकें, और फिर इन सब को आपको टाइम टू टाइम रिन्यू भी करवाना पड़ेगा। मगर ये सब करने का फ़ायदा आपको तब मिलेगा अगर आप इसे बहुत बड़े लेवल पर चलाना चाहते हो, क्योंकि इस सारी प्रोसेस में आपके लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। इस सारी प्रोसेस का फ़ायदा आपको तब मिलेगा अगर आप अपने ब्यूटी ट्रेनिंग एकेडमी को स्टेट या नेशनल लेवल पर चलाना चाहते हो और अपनी बहुत सारी ब्रांचेज ओपन करना चाहते हो। पर अगर आप अभी अपने ब्यूटी ट्रेनिंग एकेडमी को छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पूरे सिस्टम का दूसरा ऑप्शन भी होता है और वो है फ्रेंचाइजी। जी हाँ, आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं जो पहले से ही बड़े लेवल पर ब्यूटी ट्रेनिंग एकेडमी चला रहे हों और जिसके पास गवर्नमेंट की वो सारी रजिस्ट्रेशन हो जो एक ब्यूटी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। आप उससे फ्रेंचाइजी लेके उसके ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, लोगो आदि को यूज कर सकते हैं, और जब स्टूडेंट का कोर्स कम्प्लीट हो जाए तब जिस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की आपने फ्रेंचाइजी ली है वहाँ पर अपने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवा के उसका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। इस सब के लिए वो आपसे थोड़ी बहुत रॉयल्टी फीस लेंगे। थोड़ी बहुत रॉयल्टी फीस देने पर आपको उनकी रजिस्ट्रेशन का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। इसके बाद आपको अपने ब्यूटी ट्रेनिंग एकेडमी के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, और ना ही आपको वेबसाइट, प्रोस्पेक्टस और पैम्पलेट बनवाने की कोई ज़रूरत। तो ये सब बेनिफिट होते हैं फ्रेंचाइजी लेने के। अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्रेंचाइजी कहाँ से लें, किससे लें और कैसे लें। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें फ्रेंचाइजी के लिए भी। अगर कोई भी ब्यूटी पार्लर ब्यूटी कोर्सेज के लिए फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो कॉन्टैक्ट करें माइटेक फाउंडेशन ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इसमें ब्यूटी कोर्सेज और कंप्यूटर और वोकेशनल कोर्सेज के लिए फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपने ब्यूटी पार्लर को ट्रेनिंग एकेडमी बनाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। MTFR और इसकी फ्रेंचाइजी की अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रेंचाइज, हेड ऑफिस एड्रेस माइटेक फाउंडेशन ऑफ रेवोल्यूशन, प्लॉट नंबर 140405, अंबाला रोड, कैथल 136027, हरियाणा। हेल्पलाइन नंबर 7876644244। वेबसाइट www.mtfr.in। ईमेल एड्रेस mtfr.org@gmail.com।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सारी न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपने कीमती समय निकालने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।